होंडा डियो स्कूटर है और इसमें करंट आता नहीं है। सबसे पहले चाबी को ऑन करता हूं और आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूं। देख सकते हो गाइस, पावर प्लग का वायर में जरा से भी करंट नहीं है। देख सकते हो कितना बार 8-10 बार मार रहा हूं सेल्फ, फिर भी इसमें करंट आता नहीं है। तो आपको कैसा चेक करना है गाइस, क्योंकि स्कूटी में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, जब भी करंट नहीं आएगा तो बहुत मिस्त्री भाई को परेशान में डाल देता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका पास होंडा कंपनी का स्कूटी आएगा तो तुरंत चुटकियों में आप काम को शॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो तभी आपको समझ में आएगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैग्नेट से शुरुआत करता हूँ और CDI से आगे से पीछे तक आपको पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ गाइस। एक एक तार का बारे में आपको जानकारी मिलेगा और वीडियो में जुड़े रहे गाइस, बहुत इंटरेस्ट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आपको मैग्नेट का जो वायर है गाइस, इधर देख सकते हो ये हो गया आपका पिकअप कॉइल का वायर है, और इधर से सबसे पहले हमने खोल लेता हूँ क्योंकि आपको दिखाने में आसान होगा। और ये हो गया गाइस आर्मेचर कॉइल का, इसमें AC पावर करंट आता है। तो ये सॉकेट को आपको कैसा चेक करना है और पिकअप कॉइल का वायर कैसा चेक करना है आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सॉकेट को चेक करने के लिए आपको टेस्टिंग लैंप का जरूरत पड़ेगा। अगर आपका पास टेस्टिंग लैंप नहीं है तो आप एक वायर डाल करके आपस में आप लगाने के बाद चेक कर सकते हो कि इसमें चिंगारी आता है कि नहीं। ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से लगा रहा हूँ, एक तार इसमें और एक तार इसमें लगा रहा हूँ, और आपको अच्छा से बारीक तरीका से समझाने वाला हूँ गाइस। इसी तरह वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और लास्ट तक देखेगा तो आप खुद बताएगा मेरे को कमेंट करके कि भाई क्या वीडियो बनाया है। तो हमने इधर से एक तार को लगा रहा हूँ और सेल्फ स्टार्ट को चालू कर रहा हूँ, और इधर से गौर करके देख सकते हो गाइस, इसमें देखो ये देखो चिंगारी आ रही है ना, ये देखो, मतलब ये जो AC पावर मैग्नेट से आता है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और आप चाहे ये टेस्टिंग लैंप से भी चेक कर सकते हो, एक तार आपको इधर लगाना है और एक तार को आपको इधर लगाना है, चाहे आप चाबी ऑन रहेगा ऑफ रहेगा इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये बल्ब जलना चाहिए। तो हमने कुछ इस प्रकार से सेल्फ लगा रहा हूँ, ये देखो आप तो समझ गया होगा गाइस, ये जो आर्मेचर कॉइल का जो AC पावर आता है वो बिल्कुल पावर ठीक ठाक आता है नीचे से। और आपको दिखाने वाला हूँ इधर जो पिकअप कॉइल का वायर है ये कैसे चेक करना है। ये चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का जरूरत होगा, ये देखो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यू मोड पे सेट करना है और आपको इधर से चेक करना है कि आपका पिकअप कॉइल का रीडिंग ठीक ठाक बता रहा है कि नहीं। तो हमने कुछ इस प्रकार से इसमें होल्ड कर दिया है और एक तार को आपको इसमें लगाना है, ये देखो मतलब नीचे से जो पिकअप कॉइल का वायर आया है और एक तार को आपको बॉडी में लगाना है, और मल्टीमीटर में रीडिंग परफेक्टली आपको दिखना चाहिए। देखो 246 रीडिंग बता रहे, मतलब आपका जो पिकअप कॉइल है बाइक स्कूटी में वो परफेक्टली सही है। तो ये हमने आपको बता दिया गाइस, और इधर का सॉकेट लगा लेता हूँ, इसका काम खत्म हो गया है गाइस। ये सॉकेट को हमने लगा दिया और ये हो गया सेल्फ का वायर है, इसी को छेड़छाड़ी नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको सिर्फ और सिर्फ करंट के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा करंट नहीं आएगा पावर प्लग का वायर में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो आइए आपको ST कॉइल का तरफ आता हूँ, क्योंकि दूसरे नंबर पे ST कॉइल में आना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ST कॉइल का दोनों तार आपको निकलना है, ये देखो हमने ST कॉइल का दोनों तार निकल दिए, और इसमें ध्यान में देखो गाइस, ये जो दोनों तार है ये CDI से आता है इनपुट, आने के बाद ST कॉइल में घुसता है और इधर से हाई टेंशन पावर पार प्लग में भेजता है, लेकिन इसमें पावर नहीं है अभी। और इधर से आपको ये जो बल्क में येलो लाइन बना हुआ है इसमें डायरेक्ट आपको 12 वोल्ट पावर देखने को लिए मिलेगा। तो आपको रियल प्रूफ दिखाने के लिए सबसे पहले इधर से हमने एक वायर को इसमें लगा दिया और एक तार को आपको इधर बॉडी में लगाना है, और इधर से देख सकते हो इसमें 12 वोल्ट पावर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि इधर पावर आता है तो ये ST कॉइल खराब है, ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि आपको ऐसे भी चेक करना है, एक तार हमने इसमें लगाया और एक तार आपको इसमें लगाना है, क्योंकि ये दोनों में अगर पावर नहीं आएगा तो आपको CDI का तरफ भागना पड़ेगा, CDI को चेक करना होगा, और इधर से लेके जो CDI तक तार जाता है वो तार को आपको चेक करना होगा। तो हमने ये आपस में लगा रहा हूँ गाइस, जब भी करंट का प्रॉब्लम आएगा तो आपको ऐसे चेक करना है। ये देखो हमने आपस में लगा रहा हूँ और इसमें आपको स्टार्ट मार के देखने वाला हूँ कि इसमें पावर आता है कि नहीं। अगर इसमें पावर आ जाएगा तो ये जो ST कॉइल है ये ST कॉइल को आपको चेंज करना होगा 100%, अगर नहीं पावर आएगा तो आपको CDI का तरफ जाना होगा। तो सबसे पहले हमने सेल्फ लगा रहा हूँ और ये देखो इसमें जरा से भी पावर नहीं है, आपने रियल प्रूफ देख लिया गाइस। तो इसका अंदर जो पावर है इधर से आता नहीं है, तो हमने क्या करेंगे गाइस, ये जो सॉकेट है ये सॉकेट को कुछ इस प्रकार से लगा लेता हूँ, क्योंकि इधर का बीमारी नहीं है, क्योंकि आपको CDI का तरफ जाना होगा। तो हमने ये सॉकेट को इधर से लगा दिया है, फिक्स कर दिया, और आपको CDI का तरफ लेके जाता हूँ और आपको अच्छा से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम आएगा तो बहुत मिस्त्री भाई मेरे को फोन भी करता है कि भाई मैंने CDI भी नया डाल दिया है, बैटरी नया डाल दिया है, मैग्नेट कॉइल नया डाल दिया है,
फिर भी बाइक में करंट क्यों नहीं आता है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद तुरंत चुटकियों में आप शॉर्ट कर सकते हो गाइस, ये काम को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो सीढ़ी है गाइस, इधर से सबसे पहले हमने क्या करेंगे, दो सॉकेट है और ये सॉकेट को निकाल लेता हूँ। ये देखो हमने इधर से सॉकेट को निकाला हूँ और आपको अच्छा से दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्ट है वीडियो, अगर ये वीडियो देख लेगा तो आपको झंझट नहीं होगा काम करने में। तो सबसे पहले आपको सीडीआई में इसमें आपको देखने को मिलेगा चार वायर, एक सॉकेट में देख सकते हो इसमें चार वायर और इसमें तीन वायर। तो सबसे पहले ये तीन वायर के बारे में आपको जानकारी देने वाला होगा इस, क्योंकि इसमें आपको एक एक तार के बारे में जानकारी देने वाला हूँ अच्छा से। ये देखो रेड में ब्लैक पट्टी बना हुआ है, ये हो गया 12 वोल्ट पावर इनपुट सीडीआई में घुसता है, एक ही वायर का पावर सीडीआई में घुसता है और ये दोनों तार हो गया है आपका आउटपुट, मतलब आपको जो एसटी कॉइल में दिखाया था गाइस ये दोनों वायर आपका एसटी कॉइल में चला गया आउटपुट। और आपको एसटी कॉइल में रियल प्रूफ दिखाने वाला हूँ, इसमें कलर कोड आप देख सकते हो, एक हो गया ब्लैक में येलो लाइन बना हुआ है और एक हरा में ब्लैक लाइन बना हुआ है। आपको रियल प्रूफ दिखाने के लिए एसटी कॉइल की तरह बताऊँ गाइस, ये देखो ब्लैक में येलो लाइन बना हुआ है और हरा में ब्लैक पट्टी बना हुआ है, रियल प्रूफ आपने देख लिया गाइस। तो अगर इधर से इसका अंदर बीच में से तार काटवा रहेगा तो कैसे आपको पता लगाना है, तो मल्टीमीटर के जरिए आप पता लगा सकते हो। कंटिन्यू मोड पे सेट करना है और एक एक तार में आपको लगाना है इधर से उधर तक, इसमें बिंग बजना चाहिए, ऐसे आप इजीली इसका तार चेक कर सकते हो कि अगर बीच में से काटा हुआ रहेगा फिर भी सीडीआई कारण उसमें नहीं भेजेगा। तो हमने आपको एक एक साइड से बताने वाला हूँ गाइस, अच्छा से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों तार में आपको लगा के दिखाने वाला हूँ कि ये दोनों तार बीच में से काटा हुआ तो नहीं है, अगर काटा हुआ रहेगा तो फिर ये कारण एसटी कॉइल में नहीं भेजेगा, पर प्लग में नहीं भेजेगा। तो सबसे पहले आपको बताया था जो रेड में ब्लैक पट्टी बना हुआ है इसमें 12 वोल्ट आता है कि नहीं, सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करने के लिए आपको टेस्टिंग लैंप का जरूरत होगा, अगर टेस्टिंग लैंप नहीं रहेगा तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, अगर मल्टीमीटर नहीं रहेगा तो टेस्टिंग लैंप से भी आप बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर सकते हो। हमने एक माइनस वाला पॉइंट भी लगाया और ये देखो आपको रियल प्रूफ मिल गया गाइस। हमने चाबी को ऑफ कर लेता हूँ और ऑन करता हूँ, चाबी ऑन करते सीडीआई में इनपुट 12 वोल्ट पावर घुस जाता है। तो इनपुट आपने देख लिया और आपको आउटपुट दिखाने वाला हूँ, आउटपुट कैसे चेक करना है तो आपको मल्टीमीटर लेना है, ये मल्टीमीटर लेना है और थोड़ा हमने ये तार को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसान होगा। मल्टीमीटर को तार हमने बड़ा कर दिया है और इधर जो ब्लैक में येलो लाइन बना हुआ है इसमें आपको एक तार ऐसा घसर देना है और आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ कि बीच में से अगर काटा हो रहेगा तो आपको पता चलेगा। और इसमें देखो हमने एक तार इधर से आपको सॉकेट को निकाल लेता हूँ, दिखाने में आपको आसान होगा, उसमें ब्लैक में येलो लाइन बना हुआ देखा था अपने, सॉरी गाइस हमने ये देखो ब्लैक में येलो लाइन बना हुआ है और शायद आप सुन सकते हो मल्टीमीटर में बिंग का साउंड सुनाई दे रहा होगा। ये देखो रियल प्रूफ आपने मिल गया आपको, और इधर से तार को हटा लेता हूँ फिर आपको दूसरा तार को दिखाने वाला हूँ। ये देखो हमने एक नंबर दो नंबर तार हो गया है और आपको जो हरा में ब्लैक लाइन बना हुआ है इसी में आपको ऐसा लगाना है, देख सकते हो हमने एक तार को थोड़ा लंबा होगा बट आपको एक ही वीडियो में सारा लाइन क्लियर कर दूंगा गाइस। ये देखो हमने इसमें लगाया और एक तार को आपको मल्टीमीटर का इसमें लगाना है, ये देखो हरा में ब्लैक लाइन बना हुआ है और आपको इधर लगाना है और इधर देख सकते हो मल्टीमीटर में शायद आप सुन सकते हो और इसका रीडिंग भी शो कर रहे हैं और बिंग भी बज रहे हैं। तो हमने क्या करेंगे गाइस, इधर से तार को हटा लेता हूँ, इधर का लाइन क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ये फिलहाल रहने दो इधर और आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो इधर का जो तीन तार के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दे दिया है और आपको मेजरमेंट माप करके भी बता दिया गाइस। और इधर हो गया आपका चार तार देख सकते हो, एक हो गया पिकअप कॉइल का, अगर ये पिकअप कॉइल का रीडिंग इधर शो नहीं करेगा तो इसका बीच में तार काटा हुआ रहेगा, अगर शो करेगा तो काटा हुआ नहीं रहेगा। और इधर से आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखो येल्लो में रेड लाइन बना हुआ है और इसमें व्हाइट में हरा लाइन बना हुआ है, ये दोनों तार हो गया आपका सेल्फ रिले का। ये देखो ये जो सेल्फ रिले है ये सेल्फ रिले का एक बॉडी आर्थिंग का दौर काम करता है और इसमें एक 12 वोल्ट इसमें सिंगल भेजता है गाइस, मतलब ये जो रिले है गाइस इधर से एक तार आता है जो येल्लो में रेड लाइन बना हुआ है और ये तार में सिंगल जाता है, अगर ये दोनों तार काटा हुआ रहेगा तो आपका सेल्फ स्टार्ट चालू नहीं रहेगा, अगर ये दोनों तार का बीच में काटा हुआ रहेगा तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, किक से बराबर स्टार्ट होगा। तो हमने इधर से आपको दो तार के बारे में बता दिया गाइस और इसमें बचा है दो तार, एक हो गया आपका ये देखो पूरा का पूरा केला का जैसा रंग है देख सकते हैं गाइस, ये हो गया बॉडी आर्थिंग, ये आप ध्यान में रखिएगा गाइस, ये हो गया बॉडी आर्थिंग और बॉडी आर्थिंग ये सीडीआई में घुसता है। और ये देखो गाइस हरा में येलो लाइन बना हुआ है देख सकते हो, ये पिकअप कॉइल का वायर है
और आपको पिकअप कॉइल का रीडिंग इधर से चेक करना है। आपको पहले नीचे से बताया था पिकअप कॉइल का रीडिंग, और इधर से हमने कंटिन्यू मूड पे रहने दो और पिकअप कॉइल आपको ऐसे चेक करना है। ये देखो एक तार को हमने इसमें लगाया और एक तार को इसमें, दो तार में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा गाइस। अगर पिकअप कॉइल का वायर कटा हुआ रहेगा तो करंट नहीं जाएगा, और एसटी कॉइल का तार कटा हुआ रहेगा फिर भी करंट नहीं जाएगा। तो एक वायर हमने इसमें अटैच कर दिया और एक तार हमने बॉडी में लगा दिया गाइस। आपको इधर से दिखाने वाला हूँ, बैटरी का माइनस वाला पॉइंट में लगा रहा हूँ। और ये देखो दोनों साइड से हमने तार को लगा दिया, इधर देखो, ये देखो एक तार इसमें लगाया और एक इसमें लगाया, और इधर रीडिंग शो नहीं कर रहे। तो आपको समझ गया होगा गाइस, इसमें जो पिकअप कॉइल का जो तार है उसमें इशू है, क्योंकि इधर से आपको बताया था ये जो कलर कोड आप देख सकते हो, इधर से देख सकते हो गाइस, ये जो कलर कोड है हरा में येलो लाइन बना हुआ है, ये पिकअप कॉइल का वायर है। ये नीचे से रीडिंग इधर बराबर आता है और इसमें शो भी करता है, और इधर से होते हुए आपका जो इसके अंदर तार है बीच में से कटा हुआ है। तो आपको इधर से थोड़ा हल्का फाड़ना है और आगे से पीछे से थोड़ा फाड़ना है। अगर नहीं मिलेगा तो आपको नीचे से फाड़ना है, क्योंकि इसमें आपको पिकअप कॉइल का रीडिंग बताया नहीं गाइस। और आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, इसमें आपको जब भी करंट नहीं आएगा तो आपको ये तीन तार को फॉलो करना होगा और पिकअप कॉइल का तार आपको फॉलो करना होगा। ये कुल मिला करके चार तार को आपको बराबर फॉलो करना होगा, तभी आपको करंट के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा दोस्त। तो हमने क्या करेंगे, इधर से थोड़ा फाड़ लेता हूँ इतना तक, और आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो गाइस, आपको मैंने पहले बताया था अगर पिकअप कॉइल का तार कटा हुआ रहेगा तो इसमें रीडिंग नहीं आएगा। तो देख सकते हो इधर से कटा हुआ है, और इधर एक तार है देख सकते हो, इसमें 12 वोल्ट पावर है, इसमें भी आधा कटा हुआ है। ये तार को भी आपको ज्वाइन करना होगा, और ये देखो पिकअप कॉइल का वायर है इधर से कटा हुआ है। इसका वजह से बाइक में करंट जाता नहीं है पार प्लग में। तो सबसे पहले ये तार को इधर से ज्वाइन कर लेता हूँ और आपको रियल प्रूफ दिखाने वाला हूँ गाइस। इधर से तार को हमने ज्वाइन कर दिया है, और रेड वाला जो 12 वोल्ट पावर आता है इसमें भी हमने टेप कर दिया है, और आपको इधर से CDI को लगा लेना है। तो सबसे पहले CDI को लगा लेता हूँ गाइस, ये बाद में हम टेपिंग कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है गाइस। फिर मेरा दोस्त लोग बताएगा कि भाई इतना लंबा वीडियो क्यों डालता है, शॉर्ट में डालो। तो हमने आपको रियल प्रूफ दिखाने के लिए इतना लंबा वीडियो चाबी को ऑन कर लेता हूँ, और इधर से आपको दिखाने वाला हूँ, आपको बारीक तरीके से दिखाने वाला हूँ गाइस कि इसमें कितना पावर आता है। ये देखो बिल्कुल इसमें ठीक ठाक आता है, देखो कितना फास्ट क्लास चट 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 करके करंट आता है। तो इसी तरह वीडियो गाइस मेरा आपको पड्डे मिलता रहेगा, कितना ज़बरदस्त वीडियो आपको शेयर किया गाइस। एक तो लाइक बनता है, आप मेरा भाई हो कम से कम एक लाइक करो और दोस्तों का साथ शेयर करो। इसी तरह टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो शेयर करो, और जो भाई वीडियो में पहली बार आया है सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।